हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का एक व्लॉग का एक टॉपिक है मेरे पास, बहुत अच्छा था। आज का डे बहुत ही अच्छा नहीं था, आपको अभी बताती हूँ। मतलब मम्मा, आज का डे कैसे था? सो टेरिबल। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। एक्चुअली मम्मा पापा के ऑफिस से आने का वेट कर रही थी, है ना। अभी पहले आप पेरेंट की वॉइस को इग्नोर करना। हाँ, तो मम्मा पापा के आने का वेट कर रही थी एंड मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। सो सामने स्क्रीन में, मतलब टीवी पे मम्मा देख रही थी एंड एकदम ऑल ऑफ सडन रेन भी स्टार्ट हो गई, बिकॉज वेदर तो अच्छा था ही नहीं। तो वहाँ से एक लाइक प्लॉट है हमारे घर के पास थी, वहाँ से एक स्नेक आया विच वॉज वेरी लॉन्ग एंड लाइक अच्छा खासा ठीक, मतलब ठीक था। मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं कह सकते उसको, ज़्यादा पतला भी नहीं कह सकते। मैं सारी क्लिप्स ऐड करूँगी तो आप आगे देखना। सो जो वो आया वो डायरेक्टली यहाँ पे लाइक एक ड्रेनेज है, और कह सकते हो आप नाली है, तो उसमें आया एंड उसने हमारे, मतलब जो हमारे घर का चबूतरा है उस पर चढ़ने का ट्राई किया, ठीक है, उस पर ट्राई किया चढ़ने का और वो हाफ चढ़ भी गया था, उसका हेड और थोड़ा सा पीछे का पार्ट। फिर देर वो वापस नाली में आके जो चैनल लगा हुआ है वहाँ पे आया और थोड़े से रैंप पे आया, तो जहाँ पे मम्मा दिया जलाती हैं उससे थोड़े से पहले आया। लाइक मेरी मम्मा रोज शाम को दिया जलाती हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैमरे में, वो अभी ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि रात हो गई है। सो यहाँ पे ये दिया जल रहा है, तो वो यहाँ से बस थोड़े थोड़े यहाँ यहाँ तक आया था, आपको वहाँ तक वो आया एंड उसके बाद जो हुआ, उसके बाद वो यहाँ पे थोड़ी देर रहा, लाइक 2-3 or 5 minutes यहाँ पे रहा। उसके बाद 5 seconds नहीं, मतलब 1-2 minutes होंगे, सो लाइक 1-2 minutes तो होंगे। हाँ, मतलब जो भी है थोड़ी देर वो यहाँ पे रहा और फिर उसके बाद वो गया सामने, लाइक उनके, मतलब जो सामने रिवो है, मतलब उसके रैंप पर थोड़ा सा, और फिर उनके हाफ, मोर देन हाफ अंदर चला गया, तो उसकी टेल टेल रह गई। फिर वो वहाँ से वापस आया नाली में और फिर जो बराबर में चाची का मतलब घर है वहाँ पे उनके रैंप से उनके घर में घुस गया एंड वो मम्मा ने खुद जाके बाहर जाके देखा कि उनके घर में वो चला गया। उसके बाद हमें सबको कॉल किया एंड उनको बताया कि ऐसे ऐसे मतलब हुआ है, फिर रिकॉर्डिंग सबको सेंड की एंड उन्होंने अपने घर में देखा, अभी तक वो मिला नहीं है एंड वो बहुत डेंजरस था ना मम्मा। इधर इधर, बहुत डेंजर था, बहुत डेंजरस सच में, तो वो बहुत डेंजरस था। और थैंक यू भगवान जी की वजह से हमारे घर में वो नहीं आया। भाई मम्मा रात को लाइक यहाँ पर रेड लाइट आ जाता है तो उसके लिए नीचे गेट पर लगा देती हैं वुड वुड, तो वो भी नहीं लगी हुई थी, उसको आने में 1 second नहीं लगता, वो अंदर आ जाता, वो काफ़ी बड़ा था एंड लाइक वो मेरे घर में यहाँ पे आता, यहाँ से आता और मैं और मम्मा यहीं बैठे हुए थे। सो भगवान जी ने आज बचा लिया है, और भगवान जी ने आज बचा लिया। आप रिकॉर्डिंग देखना वो कितना डेंजरस है, और अभी भी वो मिला नहीं है, तो सभी को अभी टेंशन है ना मम्मा, सबको सभी। हाँ लेकिन फिर भी अभी ये गेट की साइड भी तो है। हाँ मतलब मोस्टली तो हमने सबने अपने अपने घर के गेट के नीचे सब लगा दिया है ना, हमने तो लगा दिया और सब, और लेकिन अभी भी सब बहुत टेंस हैं और अभी तक वो मिला नहीं है, इसलिए अब पता नहीं वो चला गया या क्या है, बट भगवान जी ने आज बचा लिया हमें, तो हमारे घर में वो नहीं आया, थैंक यू बस। बट बहुत ही पता नहीं एकदम से आ गया, और यहाँ पे कभी भी नहीं आता इस प्लॉट में, इतने साल हो गए लेकिन कभी भी ऐसे आया नहीं है, आज आया फर्स्ट टाइम। एंड ऑल्सो कि मम्मा यहाँ पे बैठी हुई थी तो उन्होंने देख लिया, तो सब काफ़ी अलर्ट है अब, अगर वो नहीं देखती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि उनके घर में वो चला गया है और मतलब ऐसे ऐसे आया है। मम्मा वहीं पे उसी टाइम बैठी हुई थी और मम्मा ने तो लाइव भी देखा है ना, मतलब बाहर जाके भी देखा। मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी ऐड करूँगी, आपको देखना। वो बताना भूल गई कि वो काफ़ी मतलब ऐसे जैसे मूवीज़ में या सीरियल्स में दिखाते ना, वो एनिमेटेड वाला जो होता है जिग-जैग और कितनी फास्ट स्पीड में, और वो बिल्कुल ब्लैक वो था वो, और इतनी फास्ट स्पीड में जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना एनिमेटेड, ये एनिमेटेड भी नहीं था, ये रियल था, और इतना फास्ट इतनी स्पीड से वो आया, वो भी जिग-जैग बहुत ही मतलब देखने में वो इतना हॉरिबल लग रहा था कि बस।
और फिर जब मैं और मम्मा को एकदम पैनिक हो गए है ना मम्मा, लाइक मैंने तो देखा भी नहीं था जब मम्मा ने बताया, सॉरी तो मैंने तो देखा भी नहीं था जब मम्मा ने बताया, उसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग में देखा डर की वजह से कैमरा भी सर्च नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग भी मतलब लाइक माउस भी चल नहीं रहा था, फिर वो शिव ने करा तो बहुत एकदम से आ गया, अभी भी मिला नहीं है। अब मम्मा आपको क्या लगता है कहाँ गया वो? देखो लेकिन ऐसे कभी भी लाइक मॉनसून हर बार आता है लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ है कि आया हो, बहुत हॉरिबल था वो, अभी आप देखना और फिर आप मुझे कमेंट में बताना है हॉरिबल था कि नहीं। ऑफकोर्स था, और रेप्टाइल से तो मुझे वैसे ही डर लगता है, स्पेशली स्नेक से तो मुझे बहुत ही डर लगता है, लाइक सबसे हॉरिबल वही है। अब तो रात भी हो गई, अब तो मिलेगा भी नहीं अगर होगा तो। आप मेरा मजाक कर रही हो? मैं तो बस लाइक मैंने तो अपने हाथ जोड़ लिए और बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रही थी कंटिन्यूसली, तो बहुत हॉरिबल। ठीक है ओके बाय।
हे गाइस इट्स मी अगेन आफ्टर टू डेज. वो वेडनेसडे को मैंने आप सबको बताया था, वेडनेसडे को आया था एंड इट्स फ्राइडे. सो अभी मैं अपने स्कूल जा रही थी फॉर कलेक्टिंग माय पास सर्टिफिकेट एंड शिव ने जैसे ही स्कूटी निकाली, मतलब वो नाले के पास था एंड जैसे ही शिव ने स्कूटी निकाली वो एकदम उसने यू टर्न ले लिया. बहुत इतनी स्पीड से यू टर्न लिया है, इतनी स्पीड से आई कांट टेल यू. और फिर वापस वो स्पॉट में चला गया है एंड नाउ अब तो सब है बाहर एंड सब बहुत फिर से डर रहे हैं अब उसको. एंड वो सेम वो था और वो बहुत डेंजरस है, देखने में इतना डेंजरस लग रहा है, बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस है. और शिव ने आज लाइव देखा है ना, शिव चला गया देखो वो अंदर, लेकिन अभी सबका डर ख़त्म नहीं हुआ था और फिर से शुरू हो गया. गाइस वो वही वाला है और अब फिर से सबको डर लग गया है. आज इतनी गर्मी भी बहुत हो रही है ना, सो लाइक वेदर इज वेरी हॉट टुडे. आज फिर से सनलाइट आ गई है क्योंकि दो दिन से तो बिल्कुल वेदर वो था, क्लाउडी था. कल भी इतनी सनलाइट नहीं आई थी, आज आ गई है. और लाइक समथिंग वेदर वो भी है. और उस प्लॉट में काफ़ी सारी कार भी पार्क है, तो वो भी सब निकलेंगी और फिर पता चलेगा. सो एवरीवन इज वेरी स्केयर्ड नाउ. एंड गाइस आपको मैंने शायद बताया होगा या नहीं, पता नहीं, अभी जो मैंने परसों रिकॉर्डिंग की थी उसमें बताया नहीं, बट मुझे रेप्टाइल्स से सबसे ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली स्नेक से लगता है मुझे सबसे ज़्यादा डर. मतलब मैं अगर कोई वो ज्योग्राफिक कॉन्स चैनल होता है वो डिस्कवरी वाला, उस पर भी मैं नहीं देखती हूँ, उस पर भी कभी नहीं देखती हूँ. कोई मूवी आती है आई एम लाइक दिस वेन एवर दिस लाइक स्नेक का कोई सीन होता है, मुझे सबसे ज़्यादा डर स्नेक से लगता है. और आज मतलब इतने लाइव इतना पास से मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मतलब मैंने तो अभी कैमरे में देखा है लेकिन वो मेरे घर के बहुत पास है. एंड अगर वो आज शिव स्कूटी में निकालता तो वो कहीं पर भी घुस सकता था, किसी के भी घर में, आइधर सामने और आइधर हमारे. मैं दो बार आइधर के यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं, आइधर सामने और हमारे कहीं पर भी घुस सकता था वो. सो स्केयर्ड राइट नाउ. अभी मैं आपको आज की वीडियो भी ऐड करूँगी, आपको देखना. और शिव ने आज देख लिया, अदरवाइज़ तो उस दिन मम्मा ने देखा था, शिव ने देख लिया. फिर से आप सब अलर्ट हो गए और वो उस प्लॉट में ही हैं. अब मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ, मैं कभी भी ला सकती हूँ सर्टिफिकेट, ऐसे कुछ अभी मतलब है नहीं. कल को हम सैटरडे को सिद्धबली जाने वाले थे, आज फ्राइडे है ना, कल को सैटरडे को हम सिद्धबली जाने वाले थे एंड पता नहीं जाएंगे. मम्मा फिर से दिखाना. गाइज इट्स मी अगेन. अभी वो सेम डे चल रहा है फ्राइडे और अभी तक भी वो कहीं मिला नहीं है. कार के नीचे था और वहाँ से कार्स भी हटवा दी हैं बट अभी तक वो मिला नहीं है एंड सब वेट कर रहे हैं. और फिर बारिश भी आ गई थी बहुत जोर से, लाइक काफ़ी तेज बारिश थी, अभी तक मिला नहीं है. और मैं बस कैमरे में ही देख रही हूँ एंड पता नहीं गाइज वो आया कहाँ से और कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता. गाइज जहाँ पे मैं आपको ये दिखाई दिस इज द प्लेस जहाँ पे वो था, दिस इज द प्लॉट, यहाँ पे वो है और सब लोग खड़े थे. सो गाइज यहाँ पे जो भैया थे वो लाइट्स सेटअप कर रहे थे क्योंकि जो टीम आने वाली थी तो वो उनको लाइट्स चाहिए थी, रात हो गई थी इसलिए. सो यहाँ पे वो लाइटिंग सेटअप हो रही थी. सो गाइज अभी टीम बुलाई है मेरिट से और अभी वो आ रही है और लाइट लग रही है बाहर क्योंकि अंधेरा हो गया है, 8 बजने वाले हैं. लाइक दिस इज 7:40, अभी 7:40 हो रहे हैं, वो 8 बजे तक आएंगे जो प्रोफेशनल टीम बुलाई है उसको पकड़ने के लिए. एंड यहाँ पे सब थके पड़े हैं. कुछ कहोगे आप? हाँ भैया लगे पड़े हैं, सुबह से खाना भी नहीं मिला है हमें. खाना बन गया था, वो किसी का खाने का मन नहीं कर रहा, सबकी भूख उठ गई है गाइस. यहाँ पे इतना वो हो गया है, काफ़ी बड़ा है और आपने देख लिया होगा. ये भाई साहब आइए, आपको तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है ना. सो अगर ये तो फिर भी बहुत कामली बोल रहा था, ऐसे नॉर्मली बोल रहा था, अगर मैं होती तो मैं बहुत ज़ोर से चलाती, ये सब पहली बार आ जाते. मैं बहुत ज़ोर से चलाती अगर मैं होती तो, जो खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक है सबको.
अभी डोज हो रहे हैं तो मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ। देखो बाहर लाइट लग रही है, मम्मा खड़े हैं, अम्मा खड़ी हैं, ये लाइट वाले भैया खड़े हैं, ये है ना, यहाँ पे लाइट वाइट लग रही है और आगे वहाँ पे जाके ना वहाँ सब खड़े हैं। बाहर का सीन दिखाती हूँ क्या चल रहा है। वो टीम आ गई है, मतलब दो जने आए हैं, वो तो हाथ से हटा रहे हैं बिल्कुल मिट्टी को, ऐसे 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 करके अभी बहुत बस। अब देखो रात हो गई है, सबको मिलना मुश्किल लग रहा है कि जो सब कह रहे हैं कि मुश्किल है मिलना, बट आई होप भगवान से अभी मिल जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रात को किसी को नींद आने वाली नहीं है, फिर सुबह को फिर से किसी को बुलाना पड़ेगा, तो भगवान जी प्लीज़ अभी मिलवा देना, सब बहुत डरे हुए हैं। गाइस वो एक होते हैं बहुत नॉर्मल वाले, ये है बहुत फास्ट वाला, मतलब बहुत ही आपने देखा होगा कितने फास्ट फास्ट चल रहा है। आज पता मैं फ्राइडे का आज क्योंकि वेडनेसडे को हुआ था तो मैं आज व्लॉग पोस्ट ही करने वाली थी, बट फॉर मैं उसकी पूरी एडिटिंग कंप्लीट करती, थंबनेल वगैरह बनाती, उससे पहले ही एक सब हो गया। तो अब आप पूरी स्टोरी जानना लग रहा है, आपको कैमरे में से दिखा देती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। पूरा क्राउड है वहाँ पे, पूरी भीड़ लगी पड़ी है, यहाँ पर देख सकते हो। जो ये यहाँ पर मैंने आपको पहले दिखा दिया है, घर के अंदर फिल्म से दिखा दिया मैंने आपको, उसमें देखना यहाँ पे है वो स्पॉट में, अब पता नहीं भगवान जी मिल जाए। आप पूरी पलटन देख सकते हो कितनी भीड़ लग रही है।